in order to analyze quantitative analysis of electrolytic cell, फैराडे हैड सजेस्टेड द लॉ, दो लॉ सजेस्ट करे थे, एंड दोस लॉ वेयर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मैं फर्स्ट लॉ बताता हूं सबसे पहले, फैराडे ने तरह तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए थे और उनका इलेक्ट्रोलिसिस करा था, और ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद यह लॉ कंक्लूड करा था। दे वेयर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एट दैट टाइम इन द ईयर 1800 नियरली, उस समय यह लॉ एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिए गए थे। बट अब उन लॉ को देने के लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, वी हैव गॉट सफिशियंट थियोरेटिकल नॉलेज। कि अब हमें वह लॉ देने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं, हम थियोरेटिकली भी वह लॉ लिख सकते, मगर फिर भी हम वह बात देखेंगे, वह एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो फैराडे ने करा था। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट करा, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एनोड लिया, कैथोड लिया और सर्किट में एक एमिटर लगा दिया इन ऑर्डर टू मेजर द करंट, एंड ही हैव गॉट अ वॉच इन ऑर्डर टू मेजर द टाइम। इलेक्ट्रोलिसिस कितने समय के लिए करा जा रहा है उसे मेजर करने के लिए उसके पास घड़ी थी, और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना करंट में फ्लो हो रहा है इसे मेजर करने के लिए उसने सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड, एम इज मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इफ टाइम इज कांस्टेंट, यदि टाइम को कांस्टेंट रखा जाए, then mass electrolyzed is directly proportional to current। यदि सर्किट में 1 एम्पियर करंट पास करता है और 5 ग्राम मास का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो 2 एम्पियर करंट के साथ 10 ग्राम का होगा, 3 एम्पियर करंट के साथ 15 ग्राम का होगा, और 4 एम्पियर करंट के साथ 20 ग्राम का होगा। द मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, द मोर द करंट इज द मोर इज द मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड। इफ टाइम इज मेंटेन्ड कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रोलिसिस फिक्स टाइम के लिए करा जाए। फिर उसने एक और बात ऑब्जर्व करी, मास इलेक्ट्रोलाइज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इफ करंट इज केप्ट कॉन्स्टेंट, यदि करंट को कॉन्स्टेंट रखा जाए तो मास इलेक्ट्रोलाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के। यदि हम फिक्स 2 एम्पियर का करंट कर दें, अब 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करा, मान लीजिए 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइज हुआ, तो 20 मिनट करने से 2 ग्राम होगा, 30 मिनट करने से 3 ग्राम होगा। जितने अधिक समय के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उतना ही अधिक मास का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इफ करंट इज केप्ट कॉन्स्टेंट। अब यदि करंट भी कॉन्स्टेंट नहीं हो, टाइम भी कॉन्स्टेंट नहीं हो, दोनों वेरिएबल हो, देन वन कैन ऑलवेज कंक्लूड दैट मास मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन टू। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, सो करंट इनटू टाइम मस्ट बी इक्वल टू चार्ज, मींस मास इलेक्ट्रोलाइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और
फैराडे ने यह प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिया, इसकी जगह पर एक इक्वालिटी साइन लगा दिया और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट को उसने जेड से डिनोट करा, मास इज इक्वल टू जेड आई टी और मास इज इक्वल टू जेड यू। एंड ही टर्म्ड दिस जेड एस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट। ही टर्म्ड दिस जेड एस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट। फैराडे कंक्लूडेड दैट दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट इज फिक्स एंड अ कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के लिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट की वैल्यू फिक्स है, कॉन्स्टेंट है। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिजिकल पैरामीटर, किसी भी फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती है। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस, इट्स ऑलवेज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर एनी एलिमेंट और फॉर एनी कंपाउंड। क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फिक्स है, ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फिक्स है, सोडियम के लिए फिक्स है, कॉपर के लिए फिक्स है, सिल्वर के लिए फिक्स है। और न केवल यह बात फैराडे ने कही बल्कि उसने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंस्ट्रक्ट करा और अलग अलग सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस करके कई सारे सब्सटेंस के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू डिटरमाइन करके लिख भी दी। साधारण सा तरीका था उसका, मान लीजिए सिल्वर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, सिल्वर एनोड पर ऑक्सीडाइज हो रही है और कैथोड पर जा रही है, तो हमें तो सिर्फ यह देखना है कि एनोड का कितना वजन कम हो रहा है और कैथोड का कितना वजन बढ़ रहा है। एनोड का जितना वजन कम हो रहा है उतना ही सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रही है, कैथोड का जितना वजन बढ़ रहा है उतना ही सिल्वर रिड्यूस हो रही है, तो मास ऑफ सिल्वर हमें पता लग जाएगा। हम एमीटर के द्वारा एग्जैक्ट करंट की वैल्यू देख ले और कितने समय के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करा यह देख ले, करंट की वैल्यू पता है, टाइम की वैल्यू पता है और मास हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया, हमें सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पता लग गया। इस तरह से फैराडे ने ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट करे और अलग अलग सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिटरमाइन करके बता भी दिए। मगर यह काम जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंटली करा था, इस काम को करने के लिए अब हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं। हम अभी जो हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझा है उस कंसेप्ट के आधार पर यह एक्सप्रेशन तो ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने समझा है वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन यदि सर्किट में पास होते हैं तो वहां पर 96500 कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इतनी इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पर हम इसे वन फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और कहीं पर भी वन फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो वहां पर वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और ई ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। मीन्स इफ चार्ज इज वन फैराडे, if charge is 1 faraday then mass electrolyzed is e grams, yadi circuit mein 1 faraday charge pass hota hai to
तो वहां पर जो मास इलेक्ट्रोलाइज होएगा वह हमेशा ई ग्राम्स होएगा, वेयर ई इज इक्विवेलेंट वेट। मैं इस कंडीशन को इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मास की जगह पर ई ग्राम्स लिख देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड, और चार्ज की जगह पर 1 फैराडे। सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज ई बाय एफ। यह ई बाय एफ बिल्कुल कांस्टेंट, किसी भी कंपाउंड के लिए इक्विवेलेंट वेट बिल्कुल फिक्स। एंड आई मे रीराइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस मैनर, मास इज इक्वल टू ई बाय एफ इन टू आई टी, और मास इज इक्वल टू ई बाय एफ इन टू क्यू। दिस इज फैराडेस फर्स्ट लॉ। This Faraday's first law. इस लॉ के आधार पर हम अलग अलग सब्सटेंस के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लिख देते हैं। इस जगह पर मैं सब्सटेंस लिखता हूं जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करा जा रहा है, इस जगह पर मैं उसका सी एन वी फैक्टर लिखूंगा। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एसिडिटी और बेसिसिटी वाला कंसेप्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो कंसेप्ट इस्तेमाल होगा वह चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या फिर वैलेंसी फैक्टर, यह कंसेप्ट ही इस्तेमाल होगा। इस जगह पर मैं इक्विवेलेंट वेट लिखूंगा, व्हिच वुड बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन सीएनवी, और इस जगह पर मैं लिखूंगा उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करें, सोडियम की यदि हम बात करें तो सोडियम के लिए वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो सोडियम के लिए इक्विवेलेंट वेट होगा 23/1। तो सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विच इज ई बाय एफ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम वुड बी इट्स इक्विवेलेंट वेट दैट इज 23/ फैराडेज कॉन्स्टेंट विच इज 96500। दिस वुड बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। यह काम फैराडे ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट करके करा था, सोडियम को इलेक्ट्रोलाइज करके करा था, और इसी चीज को हमने थियोरेटिकली लिख दिया कि सोडियम का इक्विवेलेंट वेट इतना होना चाहिए, एंड दिस इक्विवेलेंट सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए, और यह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ना टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ना प्रेशर पर, ना प्लेस पर, ना किसी फिजिकल पैरामीटर। सोडियम का यह फिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जो इधर सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है ई बाय एफ की जगह। मैग्नीशियम की यदि हम बात करें, मैग्नीशियम के लिए वैलेंसी फैक्टर 2, यदि कहीं पर भी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहा जाएगा 24/2, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 24 है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम would be 12/96500। This is electrochemical equivalent of magnesium. यदि aluminium की बात की जाए,
एल्यूमिनियम के लिए वैलेंसी फैक्टर 3 है, इक्विवेलेंट वेट वुड बी 27/3 क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 है, वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया तो इक्विवेलेंट वेट 27/3 और इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया 9/96500। यदि हम बात करें सिल्वर की, कहीं पर सिल्वर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, सिल्वर के लिए वैलेंसी फैक्टर 1 हमेशा एजी पॉजिटिव से सिल्वर मेटल बनेगा, इक्विवेलेंट वेट होगा 108/1, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वुड बी 108/96500। यदि कहीं पर कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो कॉपर के लिए भी वैलेंसी फैक्टर 2 या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कहेंगे, इक्विवेलेंट वेट 63.58/2, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 31.75/96500। Let me continue tabulating this. The substance, your CNV factor, your equivalent weight, which is molecular weight upon CNV, and here electrochemical equivalent, which is E/F. यदि किसी जगह पर जिंक का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो जिंक के लिए भी जो रिडॉक्स चेंज होता है Zn 0 से प्लस 2 या प्लस 2 से 0, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेटस के लिए 2 कहा जाएगा और इक्विवेलेंट वेट इसके लिए 65/2, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 32.5/96500। दिस वुड बी द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। यदि किसी जगह पर इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस का हो रहा, ध्यान रहे क्लोरीन गैस किस तरह से बनती है, Cl2 गिव्स यू ट्वाइस Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ट्वाइस Cl नेगेटिव गिव यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से क्लोरीन गैस बनती है, ट्वाइस Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसे भी रिएक्शन हो रही हो, हम कहते हैं Cl2 इज ट्रांसफरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय Cl2 इज 2। देखिए एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, मॉलिक्यूलर वेट है 71 और 71 ग्राम्स इज ट्रांसफरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो इक्विवेलेंट वेट इज 35.5। वी यूज टू से 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन वुड ट्रांसफर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वुड बी 35.5/96500। और हाइड्रोजन गैस, यदि कहीं पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जरा देखिए हाइड्रोजन गैस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस ऑल्सो ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर भी 2 कहा जाएगा,
इक्विवेलेंट वेट क्या कहेंगे? अब हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2 है एंड 2 ग्राम्स इज ट्रांसफरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो इक्विवेलेंट वेट इज 2/2, दैट इज 1. मींस हाइड्रोजन का 1 ग्राम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा. हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है. हाइड्रोजन गैस का 1 ग्राम 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा. इट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज 1/96500. यदि हम बात करें ऑक्सीजन गैस की, कहीं पर ऑक्सीजन गैस बन रही है, तो इस ऑक्सीजन गैस के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? ट्वाइस O2 नेगेटिव गिव्स यू O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. ट्वाइस O2 नेगेटिव गिव्स यू O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन ऑलवेज ट्रांसफर 4 इलेक्ट्रॉन्स. अ मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज ट्रांसफर, जब 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है तब वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 4 हियर. सो इक्विवेलेंट वेट इज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 है और 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, हेंस इक्विवेलेंट वेट इज 8. इट मींस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन व्हेन एवर फॉर्मड इन द सर्किट 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड पास और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड पास और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड पास. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 8/96500. दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस विच वुड बी इलेक्ट्रोलाइज्ड. अलग अलग सब्सटेंस जिनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उनके लिए मैंने CNV फैक्टर बताया, इक्विवेलेंट वेट बताया और उनका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी लिखा. अब मास इज इक्वल टू ZIT और मास इज इक्वल टू ZQ. इसी एक्सप्रेशन को हमने फर्दर एलाबोरेट करा, जेड की जगह E/F इंटू IT और मास इज इक्वल टू E/F इंटू Q. अब हम कहते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऐसे ही डिफाइन करा है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट. M दिस इज वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दिस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, क्यू. क्यू इज चार्ज इन कूलम्स अपॉन फैराडे कांस्टेंट, दिस इज नंबर ऑफ फैराडेस, दिस इज टर्म्ड एज नंबर ऑफ फैराडेस. अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूं. M अपॉन ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ. M अपॉन ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ.
और m अपॉन e को मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। q अपॉन f को मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ फैराडे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इन द सर्किट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इन द सर्किट। सर्किट में जितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतने ही इक्विवेलेंट मास वहां पर इलेक्ट्रोलाइज होगा। In fact, this is equivalent concept. यह equivalent concept ही है। Equivalent concept says that same equivalent react with same equivalent. Number of Faraday means equivalent of charge. Number of Faraday means equivalent of charge. Equivalent of charge is equal to equivalent of oxidizing agent at anode or or equivalent of substance oxidized at anode, and this would be equal to equivalent of substance reduced at cathode. हम कहते हैं equivalent of electrons is number of Faradays. This is equal to equivalent of substance oxidized at anode. This is equal to equivalent of substance oxidized at anode. And this would be also equal to equivalent of substance reduced at cathode. It would be equal to equivalent of substance reduced at cathode. This is in fact equivalent concept. यह equivalent concept. अब हम फैराडे सेकेंड लॉ लिखते हैं। ऑल्दो ये जो मैं जितने भी आर्टिकल बता रहा हूं इन सभी बेसिस पर मैंने अभी एक शीट डिस्ट्रीब्यूट करवाई है, जावा शीट मिल चुकी है। इस शीट में प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करोगे तो इन सारे कंसेप्ट का आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा। आज में वह शीट पूरी सॉल्व करना है, और क्योंकि कल मैं आगे बढ़ जाऊंगा इसलिए जितना भी कुछ अभी मैंने समझा है वो आज में पूरा सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा बड़ी शीट नहीं, आप करने बैठोगे तो 2-2.5 घंटे में पूरी शीट हो जाएगी, मगर इन सब का एप्लीकेशन आपको अभी कभी समझना जरूरी है। ध्यान से देखो, अब मैं फैराडे सेकेंड लॉ बताता हूं। नाउ आफ्टर Describing Faraday's first law, अब हम Faraday's second law देख ले। In fact, Faraday's second law भी मैंने already बता दिया है, मगर Faraday ने क्या experiment करा था, उससे क्या बात observe करी थी, हम यह बात जरूर देख ले। Faraday ने कई सारे cell, electrolytic cell series में connect कर दिए, कुछ इस तरह से। This is a electrolytic cell having molten NaCl with platinum electrodes
एंड हियर वी हैव गॉट एक्वस एनएसीएल विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड्स एंड हियर वी हैव गॉट Aqueous Na2SO4 with platinum and here once again aqueous NaCl with copper electrode. और इन सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ही कनेक्टेड देम इन सीरीज. दिस इज सीरीज कनेक्शन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. हम अच्छी तरह से जानते हैं मोल्टन NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा. एक्वस NaCl विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, इसमें एनोड पर सिल्वर ऑक्सीडाइज होगी और कैथोड पर सिल्वर ही रिड्यूस होगी. एक्वस Na2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इसमें एनोड पर ऑक्सीजन गैस ऑक्सीडाइज होगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होगी. और एक्वस NaCl विद कॉपर इलेक्ट्रोड, इसमें एनोड पर कॉपर ऑक्सीडाइज होएगा और कैथोड पर कॉपर ही रिड्यूस होएगा. खास बात, सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग अलग रिएक्शन हो रही है. हर जगह पर एनोड पर अलग सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर कुछ और सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है. मगर खास बात है, करंट एंड टाइम आर सेम फॉर ऑल द इलेक्ट्रोलाइटिक. We have got same current passing for same time through all the electrolytic cell. Same current I for same time T through all the इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. बिकॉज इट्स अ सीरीज कनेक्शन. नाउ व्हाट फैराडे हैड ऑब्जर्व्ड वाज मास ऑफ सोडियम इलेक्ट्रोलाइज्ड अपॉन 23 is equal to mass of chlorine electrolyzed upon 35.5 is equal to mass of hydrogen electrolyzed upon 1 is equal to mass of oxygen electrolyzed upon 8 is equal to mass of silver electrolyzed upon 108 is equal to mass of copper electrolyzed upon 31.75. This was his observation. Faraday ne yah baat observe kari thi. And based on this observation, Faraday suggested a law that he called this 23 as equivalent weight of sodium. उस समय उसे नहीं पता था कि इक्विवेलेंट वेट कैसे डिफाइन करा जाए. ही कॉल्ड दिस 35.5 एस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, ही कॉल्ड 1 एस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, 8 इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, 108 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर एंड 31.75 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. एंड देन ही सेड दैट व्हेन करंट एंड टाइम रिमेन सेम, मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड इज directly proportional to equivalent weight.
दिस इज फैराडे सेकेंड लॉ, मैं इधर लिख देता हूं, इफ करंट एंड टाइम आर सेम, मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, मींस एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू. If I and T are constant, or M1 upon E1 is equal to M2 upon E2. This is Faraday's second law. इनफैक्ट ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंक्लूड करा है, इस कंक्लूजन को हम पहले ही मैथमेटिकली लिख चुके. हमने ऑलरेडी यह बात लिख दी है, M इज इक्वल टू E बाय F into IT, or M upon E is equal to IT by F if current and time are constant, if I and T are constant. तो आप देख लीजिए M upon E, I और T कॉन्स्टेंट हो गए, F ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट है, दिस वुड ऑलवेज रिमेन अ कॉन्स्टेंट. एंड इट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे. दिस इज फैराडे सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. And that's all regarding the quantitative aspect of electrolytic cell. अब इसी समय जो मैंने शीट दी है उसके पहले पांच सवाल अभी के अभी क्लास में बैठकर करो, मैं उनको फटाफट डिस्कस करा दू. इसी समय शीट के पहले पांच सवाल, we have got nearly 15 minutes, अब अभी सॉल्व करेंगे.